Hey guys, welcome to our channel. तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ काला जामुन की रेसिपी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गैस को ऑन करा है, उसमें चढ़ाया मैंने एक पैन। पैन में डाल दिया 2 कटोरी चीनी। अब इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी। तो चीनी और पानी को सेम क्वांटिटी में लेंगे और जब तक चीनी पिघल नहीं जाती तब तक इसे पकाएंगे। और इसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा केसर, साथ में डालूंगी इलायची। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप इलायची पाउडर डाल दें, अगर आपके पास इलायची है तो ओपन करके उसके बीच और उसका छिलका दोनों ही डाल दें। फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा इसको चलाना है, अगर चलाएंगे नहीं तो नीचे चीनी चिपक जाएगी और कैरमल बन जाएगी, तो इसलिए आपको इसको थोड़ा सा चलाना है। चलाने के बाद चीनी को देखना आप, ये थोड़ी थोड़ी पिघलनी चालू हो गई। जब ये अच्छे से पिघल जाएगी तब तक के लिए इसे पकाना है। जब ये अच्छे से पिघल जाएगी तो ये देखिए अभी अपने आप कलर चेंज करेगी, थोड़ी सी चिपचिपी सी हो जाएगी। और एक तार की चाशनी नहीं बनानी क्योंकि रसगुल्लो को डिप किया जाता है तो उसमें रस भरना चाहिए, मतलब कि गुलाब जामुन, रसगुल्ले या फिर काला जामुन कुछ भी अगर बना रहे हैं तो उसमें रस भरना चाहिए, तो इसलिए वो ज़्यादा भी एक तार की चाशनी नहीं होनी चाहिए। तो अभी ये ऑलमोस्ट पक गई है, थोड़ी सी पकाने के लिए इसे हम साइड में रख देते हैं जब तक ये पकेगी धीरे धीरे, और तब तक हम बना लेंगे अपने काले जामुन। तो अभी मैंने क्या लिया है, मावा लिया है। ये मैंने घर का मावा लिया है और आप बाज़ार का भी ले सकती हो। अभी मैं जितना मुझे बनाने हैं काले जामुन मैं उतना ले रही हूँ, और काला जामुन के लिए मैं जितना ये देखिए दिखा रही हूँ मैं आपको, सॉफ्ट है, अच्छा है। और मैं इतना अभी इसमें दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेती हूँ जितने मुझे बनाने हैं। और मैं इसमें एक और चीज़ डालूंगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और देखिएगा कि ये कितने सुपर सॉफ्ट बनेंगे। जैसे कि बहुत से लोग सोचते हैं कि काला जामुन थोड़ा सख्त और कड़वा, या मतलब सख्त टाइट ऐसा होता है जला हुआ, लेकिन नहीं, पकाने का तरीका होता है उसको, और थोड़ा सा उसमें इंग्रेडिएंट्स ऐसे डालिए जिसकी वजह से वो ऐसा ना हो। तो देखिए मैंने बाउल में डाला था लेकिन उसमें मला नहीं जा रहा था, इसीलिए मैंने ये फैली हुई थाली में डाल दिया परात में। तो आपको भी ना मावे को ऐसे फैले हुए बर्तन में लेना है जिससे कि आप अपनी हथेली से अच्छे से इसको प्रेस करके अच्छे से रगड़ पाए, मतलब मुलायम करना है इसको। तो जो आपका हाथ का हथेली होता है आपको इस तरीके से, जिस तरीके से वीडियो में आप देख रहे हो आपको इसी तरीके से सेम ऐसे ही आपको सेम बनाना है। तो अभी देखिए मावे को मैं इसी तरीके से इसको करती रहूंगी 5 से 7 मिनट तक, आपको और ये इतना सुपर सॉफ्ट हो जाएगा कि इसमें से ना घी जैसा निकलने लगेगा। तो अभी ये मैं इसको डो बना के इसका अच्छा से रख देती हूँ साइड में, और फिर मैं एक इंग्रेडिएंट डालूंगी इसमें, पनीर। हाँ जी, जो आप मटर पनीर हो, ये शाही पनीर वगैरह पनीर वाला खाते हो, ये वही पनीर है। और इस पनीर को भी आपको इतना ही सॉफ्ट बनाना है अपनी हथेली से रगड़ कर, इस तरीके से रगड़ना है, और ये इतना ही मावे के जितना सॉफ्ट हो जाना चाहिए, इसमें से भी घी निकलने लगे, मतलब कुछ ऐसा होने लगे, चिकना हो जाए, इतना आपको इसे बनाना है। तो अभी देखिए, और आपको इसका 1/3 लेना है, मतलब कि अगर आपने जितना ये लिया है मावा उसका 1/3 लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। तो अभी मावे में इस पनीर को अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद ये देखिए अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए कि कहीं पनीर कहीं मावा ऐसे नहीं, दोनों को आपस में अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसका बढ़िया सा डो लगाएंगे, और डो में मैं मिक्स करूँगी थोड़ा सा मैदा और बेकिंग सोडा। अगर आप चाहे, क्योंकि मैं इसने इंस्टेंट बना रही हूँ तो मुझे इंस्टेंट खाना था, तो भी मैंने इंस्टेंट के लिए बेकिंग सोडा बनाया। अगर आप नहीं भी बेकिंग सोडा बनाते हैं तो आप इसे ऐसे भी बना लोगे तो भी अच्छे फूलेंगे और बढ़िया बनेंगे, और आपके गुलाब जामुन जो है, सॉरी, आपके जो काले जामुन है वो फूलेंगे कैसे, उसका भी मैं एक तरीका बताती हूँ। तो अगर आप बेकिंग सोडा या फिर इनो कुछ भी नहीं डालते तो फूलने का बहुत बढ़िया तरीका है। तो ये देखिए, पहले आपको इसे एकदम हाथों की हथेलियों के बीच में इसको अच्छे से क्या करना है, प्रेस करना है और ऐसे गोल गोल बनाने हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया बन रहा है ना। तो अभी इसमें कोई भी दरार वगैरह नहीं है, तो समझ जाइए कि डो आपका बहुत परफेक्ट है, बहुत ही सही है। इसमें और मैदा या कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी मैदा डालते हैं तो हमें इसे ऐसे करके देख लेना चाहिए। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा मावा ले रही हूँ, ये मावा मैं ले रही हूँ स्टफिंग के लिए। तो मैं रसगुल्ले जो है थोड़े स्टफिंग वाले बनाऊँगी, तो मैं थोड़ा सा मावा और थोड़ी से ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स में लिया काजू, बादाम, पिस्ता, और इसे मैं देखो जादू से कट कर देती हूँ,
आइए देखिए, सारे ड्राई फ्रूट्स कट हो गए हैं और ड्राई फ्रूट्स को मावे में मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा केसर वाला दूध या फिर आप फूड कलर डाल सकते हो, तो मैं फूड कलर डाल रही हूँ। और उसके बाद इन सभी को मिक्स कर लेना है अच्छे से। और बढ़िया से मिक्स करने के बाद अब जब हम अपने काला जामुन बनाएंगे तो काले जामुन के अंदर आपको इस स्टफिंग को भरना है। और जब काले जामुन के अंदर आप इस स्टफिंग को भरेंगी ना, तो ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से फूलेंगे आपके काला जामुन। और इसका जो टेस्ट है जब आप इसे खाओगे ना, तो ये बहुत ही डिलीशियस लगेंगे, एकदम माउथ मेल्टिंग मस्त। और चाशनी जो है वो अंदर तक भरती है, इसीलिए मैं आपको ये तरीका बता रही हूँ। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, इसको लोई की तरह मैंने इसका पेड़ा बनाया है और थोड़ा सा लेना है स्टफिंग, बिल्कुल थोड़ा सा। और स्टफिंग को आपको इसके अंदर भरना है। भरने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से बस ऊपर की तरफ इसे मोड़ना है और अपने दोनों हाथों की हथेलियों के बीच में आपको इसको पास घुमा देना है। और आपका जो काला जामुन है बहुत ही बढ़िया सा, गोल सा, बढ़िया मस्त सा बन के तैयार हो जाएगा। और ये देखिए मस्त आपका काला जामुन तैयार हो गया है। अभी इसे फ्राई भी करेंगे। मैं आपको एक दो और बनाकर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए फिर से मैं ले रही हूँ, आप छोटे बड़े जैसे साइज़ के बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। और देखिए आपको लोई बनाने से पहले इसे अच्छे से मलना है, मलने के बाद अपने अंगूठा को प्रेस करना है इसमें और इस तरीके से लोई बनानी है और फिर नीचे की तरफ प्रेस करके इसे ऊपर जोड़ना है और ऐसे करके गोल गोल अपने हथेलियों के बीच में घुमा देना है। बहुत ही बढ़िया सा जो है काला जामुन आपका इस तरीके से शेप ले लेगा, गोल गोल सा। तो देखिए सारे ऑलमोस्ट बन गए हैं, बाकी के मैं बना लूँगी। तब तक मैं इन्हें डाल देती हूँ तेल में। तो अभी मैंने क्या किया है, कढ़ाई लिया, कढ़ाई में डाल दिया मैंने रिफाइंड, आप देसी घी रिफाइंड ऑयल जिसमें बनाना चाहते हैं आप उसमें बना सकते हैं। और जैसे ही टेम्परेचर इसका थोड़ा सा हीट होगा तो आपको उसमें डाल देने हैं। आपको हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है। पहले मैंने एक एक छोटा सा जामुन डालकर देखा था काला जामुन, अभी जब वो मुझे दिखा कि वो ऊपर आ रहा है तो मैंने दूसरे और डाले। बहुत ही सावधानी से डालना है, इन्हें चलाने का भी तरीका होता है। आपको काले जामुन को टच नहीं करना है, आपको इसमें जो है ऑयल को चम्मच से या किसी चीज़ से चलाना है, जिससे आपके काले जामुन चलते रहेंगे, पलटते रहेंगे, घूमते रहेंगे और आपके जामुन जो है वो पकते रहेंगे। तो ये देखिए आपको ऑयल को इस तरीके से बस करना है। ज़्यादा आप जामुन को टच करेंगे तो फटने के डर रहता है, तो इसीलिए तो आपको ये तरीका इस तरीके से बनाना है। और देखना आपके जो काला जामुन है वो बहुत ही अच्छा तरीके से सुनहरे होंगे। सुनहरे होने के बाद इसे हाई फ्लेम कर थोड़ा सा इसको डार्क कर देना है। पहले मीडियम फ्लेम पर पकाना है, फिर उसके बाद इसे थोड़ा सा डार्क करना है और ये बहुत ही बढ़िया से ब्लैक हो जाएंगे। ना ये जलने का टेस्ट आएगा ना कुछ, जैसे बहुत से लोग होते हैं ना हाई फ्लेम पर ही अपने काले जामुन को डाल देते हैं, सोचते हैं कि काला बनाना है इसीलिए। लेकिन नहीं, जब वो काला जामुन जिस तरीके से आप इसको डालेंगे और वो एकदम से जल जाएगा तो वो काला तो हो जाएगा लेकिन टेस्ट जो है वो जला हुआ रहेगा, इसलिए पहले मीडियम फ्लेम पर इसे पकाना होता है फिर ऐसे। तो अभी इसको आपको आराम से निकालना है, ज़्यादा एक बार में नहीं निकालना है। और गरम गरम आपको क्या करना है, हल्की गुनगुनी चाशनी में अपने काले जामुन को डाल देना है और ये उसमें डिप हो जाएंगे। तो ऑलमोस्ट हमारे जो काला जामुन बनकर तैयार हो गए। मैंने इसे चांदी के वर्क और पिस्ता के साथ सर्व किया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये देखिए जब मैंने काले जामुन को प्रेस करा, कट करा, उसमें से अंदर से इतना सारा रस निकला और ये इतना सॉफ्ट बना है कि देख रहे हैं कि मैंने इसे ऐसे कट करा तो ये कितना यम्मी लग रहा था। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना। और ये आप सबके लिए, बाय बाय फ्रेंड्स।